स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर रंजना कुमारी, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रंजना कुमारी जी आपका हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया जी। तो आज हम एक बेहद खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम बातचीत करेंगे कि क्या सिनेमा रेप कल्चर को प्रमोट कर रहा है, क्या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन्हें बॉलीवुड नॉर्मलाइज करता है, जिस तरह से हम अश्लील भद्दे सॉन्ग्स देखते हैं, डबल मीनिंग सॉन्ग्स देखते हैं सिनेमा में। कहीं ना कहीं इतना जो आम जनता है वो इतनी समझदार नहीं है कि वो उसको कहीं से फिल्टर करके अपनी जिंदगी जिए। अब बहुत सारी थ्योरी है मीडिया में जिसमें कहा जाता है मीडिया कल्टिवेट्स रियलिटी, यानी जो स्क्रीन पर आम लोग आम जनता देखती है वो उसे रियलिटी मान लेते हैं, जितने घंटे वो स्क्रीन पर बिताते हैं। ऐसा कहीं बताते हैं, अगर आप पुलिस अधिकारी और रिपोर्ट्स भी ऐसी आती हैं कि सिनेमा देखकर लोगों ने अपराध किए, हूबहू उसी तरह से अपराध किया जिस तरह उन्होंने फिल्म में देखा था। रंजना जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या सिनेमा जो है उसको कहीं ना कहीं खुद पर लगाम कसने की जरूरत है? क्या सिनेमा रेप कल्चर को प्रमोट करता है? देखिए, सिनेमा बेसिकली एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है और वो ड्रीम सेल करता है जो रियलिटी से डिवोर्स्ड होती है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि कुछ सिनेमा के हिस्सों को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ तरह के सिनेमा को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सिनेमा एक खास तौर के तरह से एंटरटेनमेंट को आपके सामने प्रेजेंट करता है। एंटरटेनमेंट का मतलब ये हुआ कि आप उसको देख के खुश हों, आप उसको देख करके एंजॉय करें, आप उसको देख करके कहीं ना कहीं जो आप जिंदगी में बिल्कुल आपके पास नहीं है, आप पाना चाहते हैं, उस तरह की कुछ ड्रीम्स आपके पास आ जाएं और फिर आप उसको जिएं। तो ये सिनेमा का एक बेसिक मकसद ये होता है। और कभी कभी सिनेमा सोशल मैसेजिंग भी करता है, जिसमें कि बहुत सारी हमारी फिल्में हैं जो कि सामाजिक सरोकार के मुद्दों को उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर उनको सीरियस ढंग से सिर्फ सामाजिक सरोकार के मुद्दे ही उठाएंगी तो फिर शायद वो बहुत ज्यादा देखने योग्य या लोगों को एंटरटेन करने योग्य नहीं होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिनेमा के साथ है वो ये कि जो आज हमारी समाज में पेट्रियार्कल कल्चर है या जो जेंडर इनइक्वालिटी है, महिला पुरुष के बीच की जो गैर बराबरी है, ये उसको कम करने की बजाय बढ़ाने का काम करता है और वो कई तरीकों से करता है। एक तो जैसा आपने कहा रेप कल्चर, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि रेप कल्चर बनाने का काम सिनेमा करता है, लेकिन निश्चित तौर पर वो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है, बल्कि उसको इस तरह से परोसता है समाज के सामने कि वो एंटरटेनिंग हो। अब रेप में तो क्या एंटरटेनिंग है, रेप में यही है कि एक महिला के ऊपर हर तरह के अन्याय हो रहा है, हर तरह से उसके शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लोग जो देखने वाले हैं उनको वो टिटिलेट कर रहा है या उनको एक्साइट कर रहा है या उनको एंटरटेन कर रहा है। तो इस तरह की, और दूसरा फिर उसी तरह के गाने जो कि महिलाओं के शरीर को एक तरह से विभत्स ढंग से विभाजित करते हैं या परिभाषित करते हैं और फिर वो गानों को सुन के लोगों को खुशी होती है या फिर व्यंग्यात्मक ढंग से कुछ बातें कहते हैं, तो एक तरह से डिसरिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ विमेन, ये मैसेजिंग काफी इस बीच में हुई। और फिर पुरुष का वर्चस्व, मतलब आप अगर पीछे पीछे एक लड़की के दौड़ेंगे, आप उसको जबरदस्ती उसके साथ उसको किस कर लेंगे, आप जबरदस्ती उसको अपने अपने जोर जबरी के साथ अपने गरेबा में पकड़ लेंगे, जो भी इस तरह की जो हरकतें होती हैं उससे कहीं ना कहीं प्रेम को जोड़ा गया कि अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो महिला का आपके साथ प्रेम हो जाएगा और फिर आप उसके साथ विवाह करके एक परिवार बना सकते हैं। ये दोनों ही चीजें सरासर गलत है। एक तो जो वर्बलाइजेशन बीच में, तो इतने गंदे डायलॉग आने लग गए थे और इतना सब कुछ बिना सोचे समझे जो मर्जी, जब तक कि हम लोग की तरफ से ये प्रोटेस्ट नहीं शुरू हुआ कि इस पर लगाम लगाई जाए, तब तक जो मर्जी एक औरत के बारे में, औरत का शरीर, उसकी अस्मिता, उसके प्रति जो सम्मान की जगह उसको एक हास्य का विषय बना देना, ये भी सिनेमा ने किया, ना सिर्फ रेप कल्चर बल्कि औरत की डिग्निटी को हर समय अटैक करके और उसको फिर लोगों के लिए एक हास्य का विषय बनाना, ये भी अपने आप में, ये आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडियन और ये तमाम चीजें चली हैं वो भी उसका ही हिस्सा है। क्या आप इस बात से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं कि कितना आप एक औरत को उधेड़ सकते हैं, कितना उसकी इज्जत का आप फलूदा बना सकते हैं, तो फिर लोगों को बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं डोमिनेंस दिखाता है, पुरुष वर्चस्व दिखाता है और फिर लोगों को बड़ा मजा आता है इसमें।
तो निश्चित तौर पर ये समुदाय की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की सामाजिकता को न बढ़ावा दे, इस तरह के सामाजिक मूल्यों को न बढ़ावा दे, बल्कि महिला के प्रति सम्मान के मूल्यों को सामने लाए।